हेलो स्टूडेंट, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन। सीरीज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द फीटल हेड इन द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस। तो फीटल हेड का जो मूवमेंट है पेल्विस से बाहर निकलने में, पेल्विक इनलेट से होते हुए पेल्विक कैविटी से होके पेल्विक आउटलेट से बाहर निकलने में जितना भी सीरीज ऑफ मूवमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म इन द नॉर्मल लेबर क्राइटेरियाज हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई होना चाहिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, गुड फ्लेक्शन एटीट्यूड एंड डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट होना चाहिए। स्टूडेंट, फीटल स्केल का डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया है। फर्दर स्लाइड्स में आपको इसके कुछ नाम आएंगे तो वो यहाँ से मैं क्लियर कर देती हूँ। दिस टू आर द पैराइटल बोन एंड दिस इज द बाई पैराइटल डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल BPD। दिस इज द सजाइटल सूचर एंड दिस इज द एंटीरियर फॉन्टेनेली आर ब्रैगमा, दिस इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनेली आर लैम्डा। In case of the normal labor, fetal enters the inlet. Fetal जो head है वो inlet या brim of the pelvis में enter करता है mostly through the transverse diameter and in that case position will be the occipito lateral position. So this is the brim or inlet of the pelvis. तो यहाँ पे है mostly जो fetus का head होता है वो transverse diameter, जो इसका transverse diameter है। यहाँ पे इंटीरियर में है सिम्फेसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर में आपका सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो ये जो फीटस का हेड है वो ट्रांसवर्स डायमीटर में मोस्टली इन इंटर करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटो लैटरल पोजीशन या फिर लेसर एक्सटेंट कम कुछ अमाउंट में ये ऑब्लिक डायमीटर जो यहाँ पे ऑब्लिक इधर या इधर किसी एक डायमीटर से होता है ऑब्लिक डायमीटर। तो ये इस केस में पोजिशन हो जाता है ऑब्लिक ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजिशन एंड द इंगेजिंग एंटीरो पोस्टियर डायमीटर ऑफ द हेड इज द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल एंड इंगेजिंग ट्रांसवर्स डायमीटर इज द बाई पैराइटल डायमीटर। क्योंकि कॉमनेस्ट पोजिशन है ऑक्सीपिटो लेटरल पोजिशन, सो इसी में मैकेनिज्म ऑफ लेबर यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगे। दिस इज द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर ऑफ द फीटल हेड, ये फीटल हेड का डायग्राम है। तो जब फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक एंड दिस इज द सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। यहाँ पे ऑक्सीपिटो है उसके नीचे यहाँ पे सब ऑक्सीपिटो हो जाएगा, तो दिस इज द सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। जब पार्शली डिफ्लेक्स्ड हेड रहता है तो उस समय पे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल पोजिशन होता है। यहाँ पर देखिए दिस इज द फुल्ली फ्लेक्स्ड हेड and this is the suboccipito brachmatic and about 9.5 cm this is diameter. Cardinal movements of the mechanism of labor, first is the engagement and the descent to the full movement mein, matlab jab tak pura fetus delivered nahi ho jata tab tak descent hota rehta hai. Next isme aata hai flexion, internal rotation, crowning, extension, restitution, external rotation and expulsion of the trunk. Ye kram se hota hai. फर्स्ट मोमेंट है इसमें इंगेजमेंट। इंगेजमेंट टेक प्लेस व्हेन द बाई पैराइटल डायमीटर BPD ऑफ द फीटल हेड हैज पास्ड थ्रू द पेल्विक ब्रिम, जो पेल्विक ब्रिम या इनलेट है पेल्विस का, वहाँ से जब बाई पैराइटल डायमीटर जो फीटस का हेड का वो पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंगेजमेंट। इन केस ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा इंगेजमेंट मोस्टली अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर, बट इन केस ऑफ द मल्टी पैरा ये मोस्टली होता है इन लेट फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में विद द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रायर टू द एंगेजमेंट ड्यू टू द लैटरल इंक्लिनेशन ऑफ द हेड सजाइटल सूचर ऑफ द फीटल हेड नॉट स्ट्रिक्टली करिस्पॉन्ड विद द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट। सो दिस इज द इनलेट एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में फीटस कैसे ट्रांसवर्स डायमीटर से ही ये इंगेज होता है। तो
तो ये जो फीटस का बताया था, ये सूचर होता है, सजाइटल सूचर, ये स्ट्रिक्टली ट्रांसवर्स डायमीटर में करिस्पॉन्ड नहीं करता, या तो ये इंटीरियर में सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ थोड़ा इधर में डिफ्लेक्स होके इस तरह से इंगेज होगा, या पोस्टीरियर सैक्रल प्रोमोन्टी की तरफ थोड़ा सा इस साइड में ये डिफ्लेक्स हो जाएगा, इस तरह से इंगेज होगा। तो इसी जो सच डिफ्लेक्शन ऑफ द हेड रिलेशन टू द पेल्विस जो है, इसी को बोलते हैं एसिनक्लिटिज्म। तो माइल्ड डिग्री एसिनक्लिटिज्म इज द कॉमन, बट अगर ये सीवियर डिग्री है तो दैट इज इंडिकेट सीपीडी, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज द डिसेंट। डिसेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी, एंड ये कंप्लीट होता है विद द फ्लैग एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, द फीटस एक्सपेल आउट होकर बाहर निकल जाता है। तो डिसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, बियरिंग डाउन इफर्ट्स ऑफ द मदर, एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द फीटल ओवाइड स्पेशली आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन होता है, दिस इज द एसेंशियल फॉर द डिसेंट। एज द हेड फ्लेक्स्ड इट ब्रिंग्स द शॉर्टेस्ट लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर ऑफ द हेड फ्रॉम द ऑक्सीपिटो फ्रंटल टू द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सब शॉर्टेस्ट लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर हो क्यों चाहिए? क्योंकि ये बर्थ कैनाल से इजिली पास हो सके, तो फ्लेक्शन के द्वारा ही शॉर्टेस्ट डायमीटर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल से सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक पोजिशन में आ जाता है। तो एडिक्वेट पेल्विस में क्या होता है कि एज द हेड डिसेंट, डिसेंट हेड होता है क्यों? जो ऊपर से उसको फोर्स आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन बियरिंग डाउन इन सब की वजह से, इस वजह से वो नीचे की तरफ डिसेंट होता है। बट जो अनफोल्डिंग सर्विक्स है या फिर सर्वि पेल्विक वाल या पेल्विक फ्लोर होता है, ये क्या करता है? उसको ऊपर की तरफ रजिस्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज्ड फ्लेक्शन ऑफ द हेड, ये फ्लेक्शन ऑफ हेड को और इंक्रीज करता है। तो डायग्राम में देखते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। ये फीटस का हेड है एंड दिस इज द, यहाँ ऊपर से क्या हो रहा है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन इन सब की वजह से ऊपर से प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ, एंड बट नीचे से पेल्विक फ्लोर पेल्विक वाल ये सब की वजह से क्या है? रेजिस्टेंस, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये लीवर एक्शन की जैसे ये जो हेड है वो फुल्ली इस तरह से यहाँ ये फ्लेक्स्ड हो जाता है। तो देखो ये जो है दिस इज द ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर अबाउट 11 सेंटीमीटर होता है। जब ये फ्लेक्स्ड हो गया दिस इज द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर ये होता है अबाउट 9.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जब फ्लेक्स्ड हो गया हेड का तो कम हो गया, तो ईजिली वो फर्दर डिसेंट होने में हेल्प होता है। इंटरनल रोटेशन, दिस इज द एंटेरियर रोटेशन ऑफ द ऑक्सीपुट टूवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ ऑक्सीपुट का एंटेरियर रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन। दिस इज यहाँ पे जैसे फीटस का ये ट्रांसवर्सली, अगर फीटस का ये ऑक्सीपुट है ये ट्रांसवर्सली अगर यहाँ पे इंगेज हुआ है तो ये क्या है? सबसे पहले देखते जैसे ये क्या है, फीटस का ये पेल्विस है तो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये है फीट इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, जो ये अगर फीटस ऑक्सीपिटो लैटरल पोजीशन में है उसका हेड, तो ये क्या होता है? यहाँ इंटीरियर में सिम्फाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर में सैक्रल प्रोमोन्टरी है, तो ये ऑक्सीपुट 2/8 रोटेट कर जा रहा है, 2/8 सर्किल, मतलब ये जो 8 पार्ट किया है इसका 2 पार्ट्स ये रोटेट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। और अगर वो ऑब्लिक इंटीरियर पोजीशन में है, मतलब ये है यहाँ पे ऑब्लिक इंटीरियर, मतलब ये फीटस यहाँ इस पोजीशन पे है, तो यहाँ से वो 1/8 सर्किल मूव करके सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ ये मूव हो जाता है। तो यहाँ पे इसको 1/8 सर्किल ही फॉरवर्ड मूवमेंट करना है। तो यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे, यह है फीटस का ऑक्सीपुट, ये 1/2 सर्किल मूव करके सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ चला गया, दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर इंटरनल रोटेशन। प्री रिक्विस्ट फॉर द एंटीरियर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, इसके लिए क्या? वेल फ्लेक्स्ड हेड होना चाहिए, इफिशियंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए,
एंड मिड पेल्विक प्लेन का जो शेप है वो फेवरेबल होना चाहिए एंड टोन ऑफ लिवेटर इनाई मसल्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रोटेशन होता है पेल्विक फ्लोर पे। टॉर्शन ऑफ द नेक आफ्टर इंटरनल रोटेशन साइमल्टेनियस लिटिल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स इन द सेम डायरेक्शन टू रिलीज द टॉर्शन ऑफ नेक। जैसे पूरा फीटस का ऑक्सीपुट मूव किया टू एट सर्किल तक, तो शोल्डर भी सेम उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर जाता है, ताकि जो मूव की वजह से हेड की मूव की वजह से जो नेक में थोड़ा सा टॉर्जन आ गया था वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए। नेक्स्ट इज द क्राउनिंग। तो क्राउनिंग क्या है कि इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के बाद फर्दर डिसेंट होता रहता है जब तक कि जो है ऑक्सीपुट है वो प्यूबिक आर्च के नीचे तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे प्यूबिक आर्च के नीचे पहुँचने पे क्या होता है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड बाई पैरेटल डायमीटर क्या क्या करता है, जो वल्वल आउटलेट होता है उसको स्ट्रेच कर देता है और वहीं पे फिक्स हो जाता है। मतलब जो फीटस का ऑक्सीपुट है वो बाहर से इजीली पूरा हेड उसका दिखने लगता है और वहीं पे वल्वा को पूरा स्ट्रेच करके रहता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन अगर ओवर भी हो गया तब भी वहीं पे वो रहता है फिक्स, मतलब अंदर वापस नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड द क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन, जो फ्लेक्स हुआ था हेड अंदर की तरफ ऐसे मूव होके डायमीटर कम किया था वो एक्सटेंड मतलब ऊपर की तरफ, जो उसका जो नेक जॉइंट है उससे उल्टे डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो इस एक्सटेंशन से क्या होता है, डिलीवरी ऑफ हेड। वल्वा जो क्राउनिंग के समय वल्वा को स्ट्रेच किए हुआ था ऑक्सीपुट, अब वो एक्सटेंशन ऊपर की तरफ आया जिससे कि ये यहाँ डायग्राम में देखेंगे ये ऊपर की तरफ आ गया जिससे एक्सटेंशन की वजह से हेड की डिलीवरी हो गई। तो एक्सटेंशन इसमें क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बेयरिंग डाउन और रिट्रैक्शन, इसकी वजह से हेड नीचे की तरफ पुश करते हैं और पेल्विक फ्लोर एडजस्ट करता अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो रिमेनिंग फोर्स होता है वहीं एक्सटेंशन काज करता है और एक्सटेंशन की वजह से फीटस के हेड की डिलीवरी हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज द रेस्टिट्यूशन। दिस इज द पैसिव विजुअल मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यूरिंग द अनट्विस्टिंग ड्यू टू द अनट्विस्टिंग ऑफ नेक सस्टेंड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन तो ये था जो सिम्फेसिस प्यूबिस की तरफ ऑक्सीपुट मूव किया था, अब ये रेस्टिट्यूशन क्या है, अपोजिट ऑफ द इंटरनल रोटेशन। दिस इज द रेस्टिट्यूशन जो कि 180 सर्किल अपोजिट टू द इंटरनल जो रोटेशन उसके मूव हो रहा है ऑक्सीपुट का, तो डैट इज़ द रेस्टिट्यूशन। तो ये देखेंगे, ये फीटल हेड से भी देख लेंगे, ये प्रीवियस डायग्राम में ये फीटस का हेड ये था एक्सटेंशन के बाद यहाँ, अब नेक्स्ट में क्या हुआ, रेस्टिट्यूशन से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑक्सीपुट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ गया। तो ये दिस इज द रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड बाई 180 सर्किल इन द सेम डायरेक्शन एज रेस्टिट्यूशन ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। यहाँ पे देखेंगे रेस्टिट्यूशन, दिस इज द रेस्टिट्यूशन, ये अगेन सेम डायरेक्शन में जिसमें रेस्टिट्यूशन हुआ उसी में एक्सटर्नल रोटेशन भी 180 सर्किल मूव किया है। तो इसकी वजह से क्या है, एज एंटीरियर शोल्डर रोटेट्स टूअर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस फ्रॉम द ऑब्लिक डायमीटर इट कैरीज ऑक्सीपुट पॉइंटेड टूअर्ड द मैटरनल थाई। ये ऑक्सीपुट है फिटस का, मैटरनल थाई की तरफ ये पॉइंटेड हो गया एंड द शोल्डर नाउ लाइज इन द एंटीरियो पोस्टर डायमीटर। जो यहाँ पे शोल्डर होगा एंटीरियो पोस्टर डायमीटर में ऐसे है। इसके बाद क्या है, बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक। तो फर्दर डिसेंट टेक प्लेस अंटिल द एंटीरियर शोल्डर स्वेव स्केप्स अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जैसे हेड एंटीरियो पोस्टर डायमीटर में है तो एंटीरियर शोल्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर शोल्डर जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ से एंटीरियर शोल्डर स्वीप्स होके बाहर निकल जाएगा और पोस्टीरियर शोल्डर जो यहाँ नीचे से यहाँ से पेरिनियम के पास से होके जो पोस्टीरियर शोल्डर है स्वीप्स ओवर द पेरिनियम और उसके बाद जो ट्रंक है पूरा एक्सपेल्ड आउट बाय द लैटरल फ्लेक्शन। फीटस की फुल डिलीवरी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ डायग्राम देखेंगे
क्राउनिंग के बाद दिस इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हेड की डिलीवरी, हेड डिलीवरी होने के बाद ये नीचे की तरफ ऐसे डाउन हो गया। फिर दिस इज़ द रेस्टिट्यूशन, जो इस तरह से ऑक्सीपुट था ये रेस्टिट्यूट होके इधर आ गया, ये जो यहाँ था ये 45 डिग्री मूव करके इधर पे आ गया ऑक्सीपुट। एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन में क्या हुआ, फुल ये ऑक्सीपुट जो है मैटरनल थाई की तरफ ऐसे आ गया। तो स्टूडेंट ये मैकेनिज्म ऑफ लेयर यहाँ लेबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।